आड़ू के जस्ट आगे आजकल खूब रंग बिरंगे आड़ू हो रखे हैं, कलर आ गया है तो काफी सुंदर हो रहा है। तो ऐसे हमारे वहाँ क्या होता है ना, आड़ू का सीजन चला है तो हल्द्वानी के लिए ऐसे डिब्बे पैक होते हैं, ये लकड़ी के हैं और कुछ काट। तो जीव जा रही है अपने प्री स्कूल में, यानी कि प्री प्राइमरी में जा रही है। और ना जैसे जीव की यादें हैं वैसे मेरी यादें भी हैं। तो हुआ क्या, यहाँ अंदर छोटे छोटे बेड लगे थे तो वहां सो जाया करती थी, है ना। हाँ, टीचर्स के साथ गप्पे मारती थी। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार प्रणाम। पहला उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल में देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से नज़ारों के साथ। तो आज मेरा इंट्रो हो रहा है आड़ू के जस्ट आगे, आजकल खूब रंग बिरंगे आड़ू हो रखे हैं, कलर आ गया है तो काफ़ी सुंदर हो रहा है। तो अभी हमारे क्या होता है ना, सुबह सुबह आजकल बहुत सारा काम हो रहा है, मतलब पानी लाना ये वो, गर्मी का टाइम है तो मतलब बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो को ना सुबह स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं ऑफिस के लिए और आज जो जा रही है मेरे ऑफिस, तो देखते हैं आज का दिन कैसा होता है। तो बने रहिएगा व्लॉग के साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रही हो आज? आज मैं मम्मा के ऑफिस जा रही हूँ। अरे कैसा लग रहा है फिर? अच्छा लग रहा है। गर्मी कम है पर पहाड़ में भी ज़्यादा गर्मी है ना। वही, अपनी बोतल वगैरह रख लो, चलते हैं। तो आजकल ना गर्मियों की छुट्टियां हो रखी हैं, तो एक तो जीव आ रखी है आजकल, दूसरी हमारी पीहू आ रखी है। तो पीहू है भांजी और पीहू का घर है मुंबई में, और जो इनके दादाजी का घर है वो है बागेश्वर में। पीहू गई हो ना आप बागेश्वर? हाँ। एक बार ही पीहू गई है। अपना नाम बताओ और हेलो बोलो एक बार। मेरा नाम पीहू है, स्कूल में प्रांजल कनवाल, मैं मुंबई में रहती हूँ। हाँ, और पीहू ना स्विमिंग करती है बहुत अच्छे से, क्योंकि मुंबई में तो है ना समुद्र वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो ये बहुत अच्छे से स्विमिंग कर लेती है और इसको अच्छा भी लगता है ना। हाँ, और जियो को क्या अच्छा लगता है? जियो को तो ड्राइंग अच्छी लगती है और आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा लगता है, मतलब अच्छा करती है जियो भी। तो आजकल ना घर पे ऐसा हो रहा है, बच्चे लोग खूब ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं, मतलब खूब खेलना कूदना ये सब हो रहा है। और पहाड़ों में तो आजकल आड़ू का पीक सीजन चल रहा है, तो सब जगह आड़ू आड़ू है। और आप लोग जिसको भी खाना है आप लोग आ सकते हैं पहाड़, अच्छे से आड़ू वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। आड़ू कुछ दिनों में सेव हो जाएगा, फिर प्लम हो जाएगा, तो अपना फ्रूट सीजन चलेगा हमारा जुलाई सितंबर तक का, ऐसा कुछ है अपना पहाड़। तो आजकल गर्मियों की छुट्टियां हो रखी हैं, तो हमारी प्राची भी घर पे मदद कर रही है, घर में झाड़ू लगाना पानी लाना बहुत सारा काम ये भी करती है, फिर इसको ट्यूशन जाना होता है। हेलो, बहुत टाइम बाद। हाँ, तो ये भी कम दिखती है वीडियो में, अक्सर नींद आती है हमारी प्राची रानी को भी। चलें फिर जियो, पियो चलें, आप घर ही रहोगी? ओके चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय। और आज देखिए मौसम ना कुछ ऐसा हो रहा है, हल्के हल्के बादलों के साथ, लेकिन धूप जबरदस्त है। तो हम लोग ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, मैं भी कवर हो चुकी हूँ और जियो को भी हेलमेट पहना दिया है, क्योंकि आज ना अल्मोड़ा वाला ट्रैफिक भी हमारे ही रोड से चलने वाला है, तो भीड़ ज़्यादा होगी, इसलिए सेफ्टी पहले है, तो इसलिए हेलमेट पहना के मैं जियो को भी लेके जा रही हूँ। ठीक है चले। अभी हमारा लंच टाइम हो गया है, अभी तक हमने ऑफिस का काम किया, साथ में जीव ने राइटिंग करी, मतलब बैठे बैठे हम तो काम कर रहे थे। बोर हुए क्या? बोर नहीं, मैंने स्टोरी बुक पढ़ी। हाँ, तो इसको थोड़ा सा बुक्स वगैरह दे दी थी, तो अभी हम लंच के लिए जा रहे हैं नीचे। चले फिर। हाँ। चलो आपको भी धोनी पड़ती है।
लंच हमारा हो गया है, लंच के बाद हमने रेस्ट भी कर लिया है। कैसा लगा खाना आपको? अच्छा लगा। चावल दाल खाई जी मैंने, खाना ही नहीं खाती है, बस चावल दाल गोभी की सब्जी रोटी बनी थी तो जिया ने खाया चावल दाल। अब इसको, और मैंने गोभी की सब्जी भी खाई। अब इसको सारे ऑफिस वालों से मिला लिया है, तो जब ये प्री प्राइमरी में जाती थी ना, चिराग का अपना स्कूल है तो वहाँ इसको लेके जा रही हूँ, तो इसको यादें ताज़ा करनी है अपनी बचपन वाली, है ना। ऊपर से जाना है तो हम लोग ना अब इसके प्री स्कूल में जा रहे हैं, जहाँ पे जियो ने शायद नर्सरी पढ़ी थी ना, जियो क्लास, हाँ नर्सरी पढ़ा था जब, नर्सरी आई थिंक एलकेजी या फिर यूकेजी, हाँ वही, तो वहाँ चलते हैं। तो जियो जा रही है अपने प्री स्कूल में, यानी कि प्री प्राइमरी में जा रही है, और यहाँ पे ना मेरे को याद है जियो एक कांटा नहीं था खूब ऐसे बड़ा सा, तो जियो बहुत छोटी थी ना तो लॉलीपॉप खा के स्कूल आती थी, एक एक लॉलीपॉप रोज़ चाहिए होता था। और यहाँ पे इसकी एक फ़ोटो मैंने क्लिक किया था, शायद अगर मेरे फ़ोन पर होगा तो मैं उससे शेयर करूँगी, है ना। चलो फिर, याद आ रही है फिर आज स्कूल की, इधर दिखाओ हेलमेट से पूरा रेड हुआ है आपका माथा एकदम। चलो फिर, और ये रहा जियो का प्री वाला स्कूल, तो हम वहाँ जा रहे देखने के लिए। नमस्कार। हाँ जियो, वो गीता दी है। अच्छा ये तो है, वो है देखो, याद आ रही है जी, है गीता दीदी की, पतली हो गई जा आप और हाँ अनिंदा थे, वही तो, तभी तो ये उनके साथ बहुत कम वो करती थी ना, वही तो, ये मेरे साथ छुट्टी में भी मतलब ये खिड़की में तो सोती थी जियो, है ना, सोई रहती थी मतलब छुट्टी में ना भी आओ देर में भी आओ तो यही रहती थी, वही तो। बस बढ़िया, कहती मेरे को स्कूल देखना है, मैंने कहा चलो देखो। अच्छा वो सिक्स में गई होगी, कहाँ पढ़ती है वो? हाँ अब पूछूंगे इसको, विधि ना इसकी दोस्त, इसको अपनी दोस्त की बहुत याद आती है। अच्छा आ रही है स्कूल की याद, जब छोटे थे तब इस पे और इस पे आप ज़्यादा खेलते थे, एक फ़ोटो मेरा यहाँ पर भी है आपका जब मैंने लिया था, याद है। चलो फिर, अब हो गई याद ताज़ा स्कूल की, चले कब? अभी मेरे को ऑफिस में काम करना है, चलो ना आराम से। अरे लगी तो नहीं, नहीं तो? पक्का? चलो फिर यहाँ भी चढ़ जाओ जो बचपन में एक बार खेला करते थे। गर्म हो रहा है, चलो फिर। ये चलो चले, अब तो लटक ही जाओगे, बचपन में याद है नहीं, इसी पे खेलते थे ज़्यादा मेरे स्कूल, मतलब मैं जब जिया को लेने आती थी ना तो जिया यहाँ अंदर छोटे छोटे बेड लगे थे तो वहाँ सो जाया करती थी, है ना। हाँ टीचर्स के साथ गप्पे मारती थी टीचर्स के साथ बहुत सारे, तो वो अभी भी बोल रहे हैं कि जिया गप मारती थी। चलो फिर, चलो। तो मैंने दिखा दिया है जियो को उसका प्री प्राइमरी स्कूल, जहाँ पे जियो जाया करती थी, यानी कि 2 साल जियो ने यहीं पर पढ़ाई की। और ना जैसे जियो की यादें हैं वैसे मेरी यादें भी हैं। तो हुआ होता क्या था ना, जब मैं लेट हो जाती थी, मतलब कि मैं अपनी ड्यूटी में रहती थी और बच्चों को छुट्टी हो जाती थी 1 बजे, तो मैं जियो को ले नहीं जा पाती थी, तो मेरे जाने तक जियो सो जाया करती थी, वहाँ पर छोटे छोटे बेड लगे होते थे और जियो आराम से सोए रहती थी। तो और टीचर से कभी गप मारती थी, कभी उनका लंच करती थी, तो मतलब ना मेरी भी बहुत सारी यादें हैं। तो जब मैं जा रही थी वहाँ पे तो मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि यार फिर से वहीं उसी जगह आ गई, क्योंकि मैं फिर जाना होता नहीं था क्योंकि जियो फिर दूसरे स्कूल में जा चुकी थी, पढ़ रही थी। तो आज जियो के साथ मैंने भी चिराग स्कूल विजिट कर लिया है, तो काफ़ी अच्छा स्कूल है, इतना फ्रेंक माहौल है ना वहाँ पे, तो 2 साल तो जियो के भी कैसे कटे पता नहीं, है ना। तो जियो ने भी देखा, तो अब फिर से हम अपने ऑफिस के काम में लग जाते हैं।
और फिर आपको दिखाएंगे ऐसी कुछ आगे। तो जीव देख रही है स्प्रिंग सीट का लेआउट। आपको पता है कि ऐसे फ्रैक्चर होते हैं हमारी ज़मीन के अंदर, देखो इतने सारे रॉक्स। तो एक ये ना सैंपल बनाया हुआ है, तो उसको देख रही है। यहाँ पे पूरी लाइब्रेरी है, आ जाओ। कैसा लग रहा है? चलो फिर अब काम करते हैं, फिर से हवा चल रही है, बंद कर दो इसको। हेलो, क्या नाम है आपका? आज कल सारे बच्चे लोग आइसक्रीम है ना कि वही बहुत आया आपने। गाइस मम्मा यहाँ पे छाट रही है मिर्च के पौधे। तो चलिए जी, हम मार्केट का काम करने के बाद, ऑफिस का काम करने के बाद घर पहुँच गए हैं। और मेरे हाथ में देख सकते हैं मैं थोड़ा सा मिर्च लेके जा रही हूँ, जो अपने किचन गार्डन में लगाऊंगी। साथ में ये लैपटॉप और कुछ आड़ू। तो ये हमारी जेठानी जी लोगों के जा रहे हैं हल्द्वानी आड़ू, तो इन्होंने बना रखे हैं 42 डिब्बे आड़ू के। तो ऐसे ही हमारे वहाँ क्या होता है ना, आड़ू का सीजन चला है तो हल्द्वानी के लिए ऐसे ही डिब्बे पैक होते हैं। ये लकड़ी के हैं और कुछ कार्टन पैक होते हैं और कुछ ऐसे पैक होते हैं। देखो तो इस पर लिखा है ना 42, तो यानी कि 42 डिब्बे ये बने हुए हैं। तो ऐसे ही रोज जाएंगे, कभी 50 कभी 100। तो ऐसे जो आड़ू का सीजन है ऐसे लोग निपटाते हैं। तो रोड साइड में रखा है, शाम को ट्रांसपोर्ट से हल्द्वानी जाएगा। तो जियो भी आ गई है घर, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। ऑफिस अच्छा लगा? हाँ। और जियो ने हाथ में पकड़ा है फोन, मेरे हाथ में है मिर्च और इतना सारा सामान। इसलिए हम आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय।